देख रहे हैं न्यूज़4 नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना जंक्शन स्थित मल्टी लेवल पार्किंग का निरीक्षण करने पहुंच गए हैं और देख सकते हैं तस्वीर में किस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है जो मल्टी लेवल पार्किंग का है निरीक्षण कर रहे हैं। और वहीं बात करें तो पटना जंक्शन स्थित जो अंडर पास बनाया जा रहा उसका भी निरीक्षण करने पहुंचे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि उनके साथ विजय कुमार चौधरी जो बिहार सरकार में मंत्री हैं वो उनके साथ पहुंचे हैं। और जिस तरह से बात करें कि जो पटना जंक्शन हनुमान मंदिर है वहां से जो सबवे बनाया जा रहा है भूमिगत सबवे यानी अंडरपास बनाया जा रहा है उसका निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं वो पहुंचे हुए हैं। और तमाम जो अधिकारी हैं सुरक्षा कर्मी हैं वो हैं जंक्शन के पास। और देख सकते हैं कि जो पटना जंक्शन के पास जो सबवे बनाया जा रहा है वो 440 मीटर लंबा है। और जिस तरह से बात करें कि ये पटना हनुमान मंदिर से लेकर GPO तक ये सबवे बनाया जा रहा है जिसका निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे हुए। लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अधिकारियों को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि जो भी कार्य है उसे जल्द पूरा करें और 2024 के अंदर हैं जो इसको पूरा करने की बात कर रहे हैं। और जिस तरह से बात करें कि जो ये जो सबवे बनाया जा रहा है एस्केलेटर के साथ टेबलेटर दोनों की सुविधा होगी यानी कि साफ तौर पर कोई भी जो इस सबवे का जो अंदर पास में जाएंगे वो एक जगह खड़ी होकर वो GPO तक पहुंच जाएंगे। और जिस तरह से बात करें कि ये 69 करोड़ की लागत से बनाई जा रही है सबवे और इसे 2024 तक पूरा करने का जब बात है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं अपने अधिकारियों को कर रहे हैं। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं वो निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं। जो मल्टी लेवल स्मार्ट पार्किंग है वो बनाया गया है करीब 4 से 5 फ्लोर के ये मल्टी लेवल पार्किंग बनाया गया है जिसका निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं विजय कुमार चौधरी हैं वो पहुंचे हुए हैं। और जो बिहार के जो पटना के DM हैं चंद्रशेखर वो उनके साथ हैं कई अधिकारी हैं वो उनके साथ हैं और अधिकारियों को इंस्ट्रक्शन भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जल्द से जल्द इसकी जो काम है वो पूरी की जाए। और वहीं सबसे बड़ा हिस्सा जो 100 मीटर का होगा जो मल्टी लेवल पार्किंग से GPO के पास तक जाएगा यह हिस्सा जमीन के ऊपर या समतल होगा। सबवे में 2 लेन होंगे जिसमें से एक पैदल चलने के लिए होगा जबकि दूसरे में ट्रेवलेटर मशीन लगी होगी यानी कि दो जो अंडरपास बनाया जा रहा है सबवे बनाया जा रहा है पटना जंक्शन स्थित जो हनुमान मंदिर है वहाँ से ये अंडरपास जो बनाया जा रहा है उसमें कई जो सुविधा हैं वो दी जा रही है। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत ये जो सारे कार्य हैं वो किए जा रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है लगातार इस कार्यों को निरीक्षण करने पहुंचते हैं। उनके साथ अधिकारी मौजूद रहते हैं और वहीं विजय कुमार चौधरी भी उनके साथ मौजूद रहते हैं। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साफ तौर पर कहते हुए नजर आते हैं कि जो भी कार्य है वो उसे जल्द से जल्द पूरा करें क्योंकि जिस तरह से बात करें कि 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है और जितने भी ड्रीम प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हैं उसको निरीक्षण करते हैं और सीधा तौर पर अधिकारियों को इंस्ट्रक्शन देते हुए नजर आते हैं। इसी तरह के तमाम खबरें न्यूज़4 के साथ। नमस्कार।